नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गार्लिक रिपोर्ट चाइना में। आज सबसे पहली बात, आपको जिनको भी मेरी बात पसंद नहीं आती या उनको समझ में नहीं आता इससे अपने क्या कोरिलेशन है बाज़ार से और मैं रोज़ जो वीडियो बनाता रहता हूँ नहीं समझ में आता, आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। नेगेटिव कमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आप अनसब्सक्राइब कर देंगे तो आपको नहीं समझ में आता तो क्या करेंगे आप उसको देख के, ये बात भी सत्य है। चलिए आज के टॉपिक पर बात करते हैं। मैंने कल पोस्ट की थी चैनल के कम्युनिटी ऐप में, आप देख सकते हैं। वो उसका टॉपिक ये था कि किस तरह इस साल लहसुन बाज़ार को चीन में मैनिपुलेट किया गया, उसको ऊपर नीचे किया गया, किस तरह से उसको चलाया गया। तो उसमें मैंने जो पोस्ट में कहा उसी का डिटेल लिया है मैंने। तो मई 2022 को अप्रैल 2024 का जो मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट बताता हूँ उसका भाव 13,418 तक गया था 22 मई को, और अगस्त वाले का उसका 12,263 तक गया था। तब वहाँ के जो बड़े बड़े सट्टेबाज हैं उन्होंने पहले तो अच्छी तेज़ी की, मई महीने तक तेज़ी की, जब वहाँ पे पुराना लहसुन था, नया लहसुन आने वाला था मई के बाद, उसकी लिस्टिंग होनी थी नए लहसुन की, तो उन लोगों ने पहले उसको पुराने लहसुन को अच्छा तेज किया, सभी को उसको तेज़ी की अवधारणा में डाल दिया, सभी को तेज़ी तेज़ी होगी तेज़ी होगी, और मतलब पुराने माल जो था उसमें तेज कर दिया, पुराने माल को भी तेज कर दिया और सीज़न काफ़ी ऊपर खुला, जो मैं आपको बताता हूँ 4 युआन के आसपास इन लोगों ने स्टॉक किया है। तो और जब नई लहसुन आई तो उसको सभी को तेज़ी का चश्मा लगा दिया गया और बहुत सारे लोगों को माल दे दिया गया। सीज़न पे स्टॉक वाली कंपनियों ने भी ऊँचे भाव पर ख़रीदा, बहुत सारे लोगों ने जो जैसे अपने यहाँ भी लोग स्टॉक करते हैं वैसे वहाँ पर भी हैं बहुत सारे जो ख़रीदते भी हैं माल, स्टॉक लगाते हैं, तो उनको सभी को तेज़ी में माल दे दिया गया। और उसके बाद मार्केट में बहुत कम उत्पादन की धारणा बनाई गई, वहाँ एक फेनोमेनन चलता है, एक अवधारणा उसको बोलते हैं डबल रिडक्शन। इस साल एक वो जो चल रहा था डबल रिडक्शन, डबल रिडक्शन का मतलब है कि उत्पादन में भी कमी है और रकबे में भी कमी है, तो इस चीज़ की बहुत अच्छी पब्लिसिटी की गई वहाँ पे। तो ये जो मार्केट मई महीने में बहुत तेज़ हो गया और सभी तेज़ी में आ गए, भरपूर तेज़ी में आ गए, किसान माल बेचना नहीं चाहता था और जो बेचता था वो भी ले लिया जाता था, तो ये सारी चीज़ें मार्केट का पूरा माहौल चेंज कर दिया गया। और वायदा और उसके बाद वायदा को पहले ऊपर ले गए, फिर उसके बाद ऊपर नीचे किया उसको, काफ़ी ऊपर नीचे भाव, ऊंचा नीचा 2-3 बार ऊपर नीचे किया, और उसमें से रिटेलर जैसे नीचे ही ला रहे हैं, ऊपर नीचे करके नीचे आ रहा है मार्केट, तो उसमें से जिन्होंने मार्केट में पैसा लगाया था, पैसा डायरेक्ट लगाते हैं, बहुत सारे लोग स्टॉक नहीं करते हैं लहसुन का तो वायदा में लगाते हैं, जैसे अपने यहाँ भी बहुत सारी चीज़ों में होता है, जैसे सोयाबीन वगैरह में लोग वायदा में लेते हैं, तो उसी तरह से लहसुन को भी लोगों ने वायदा में ले लिया। तो उन सभी को निकालने के लिए फिर गेम खेला गया, और जब शुरुआत हुई थी वायदा में तेज़ी की तो उस टाइम पे हाजिर और वायदा का जो डिफरेंस था वो 1500 पॉइंट का चल रहा था, मतलब 1500 पॉइंट वायदा ऊपर चल रहा था। इन्होंने गेम बनाया है, कैपिटल अच्छी खासी कैपिटल लगा के, जो गेमलर लोग हैं, सट्टेबाज लोग हैं, सभी जगह होते हैं, अपने इंडिया में भी हैं तो वहाँ पर भी है, तो उन लोगों ने पहले अच्छे डिफरेंस में चलाया मार्केट को और फिर धीरे धीरे उसको नीचे लाते गए। और फिर उसके बाद सीज़न बहुत तेज़ खुली इससे, मतलब आप समझ रहे बात को, जैसे टॉप लेवल पे सीज़न को खोल दिया गया, 4 युआन पर केटीस के आसपास का एवरेज भाव था उसी टाइम पे। शुरुआत में जब अपना ये समझिए बात, जैसे मान लो अपने यहाँ मार्केट खुलता है तो गीला माल करीब करीब 10,000 के आसपास खोला उन्होंने, ये एक रेंज बता रहा हूँ अपने यहाँ के समझाने के लिए, तो इतना ऊंचा मार्केट खुला, तो जो गीली लहसुन आई उस समय में और पुराना माल भी वहाँ ख़राब था और सारी चीज़ों की सिचुएशन बनाकर पुराना माल कम था, इन्वेंट्री कम थी, तो उसका फ़ायदा उठा के उन्होंने मार्केट बहुत तेज़ कर दिया, तो सभी को ऊपर के भावों में माल दे दिया और आम आदमी का पैसा लगा सके उसमें, उसके लिए उनको आकर्षित किया जैसे वायदा में भी और इसमें स्टॉक में भी, सबको फंसा दिया गया। और फिर उसके बाद उसको मार्केट को अब धीरे धीरे नीचे लाए ये लोग। और मैं आपको 2009-10 की भी स्टोरी बता देता हूँ, उसमें क्या हुआ था। 2009-10 में 9 और 10 में तो अच्छी तेज़ी आई थी, तो वहाँ पे लहसुन वायदा में बहुत अच्छे पैसे कमाए थे लोगों ने, और कम से कम 10 से 12 कंपनियाँ वायदा की कंपनियाँ उस समय काम करती थी, मैंने अच्छी तरह से देखी, मैंने भी पहले भी मेरे को ध्यान है अच्छे से। और धीरे धीरे फिर 2011 में जब मंदी आई तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ लोगों को, जो उन्होंने 9-10 में जो कमाया था
उसको एक धम से बाज़ार को घटा के सारी कंपनियां जो 10-12 ही कंपनियां थी वो क्रैश हो गई। क्रैश का मतलब पूरी तरह से बंद हो गई। तो जो लोगों ने पैसा लगाया था उनका सारा डूब गया एक ही साथ में। 2011 में जो मंदी हुई उसमें सबका पैसा डूब गया धीरे धीरे। तो ये इस टाइप का गेम वहाँ हुआ था 2009 10 11 में। करीब करीब 12 कंपनियाँ थी वायदा की, मेरे को अच्छी तरह से पता है। और उनके बंद होने के बाद ये जो मैं भाव बताता हूँ ये शायद 2018 19 या 20 के आसपास से चालू हुई वापस से, और ये एक ही चल रही है अभी। और इस तरह से मैनिपुलेट किया गया है भाव को, और अब उनका क्या है, वो क्या करना चाह रहे हैं वो देखने वाली बात होगी। पर मेरे को लग रहा है अब कि यहाँ अब बाज़ार या तो स्थिर रहेगा, इसको अब इससे ज़्यादा नहीं घटाएंगे या घट नहीं पाएगा, क्योंकि मार्केट में माल कम आएगा वहाँ पे भी। और तो और जो मैंने आपको एक फेनोमेनन बताया है कि वो डबल रिडक्शन वाला, वो आप देख सकते हैं, उसमें नेट पे भी देख सकते हैं उसको। और अब जो तेज़ी करेंगे ये लोग, तो उस तेज़ी से पहले जो भी रिटेलर घुसे हैं अंदर, जो वायदा में भी घुसे हैं, जो स्टॉक किया है जिन लोगों ने लहसुन का, या फिर जो किसान हैं जिनके पास माल पड़ा है वो बेचना नहीं चाहते हैं अभी, तो उनको निकालने के लिए ये मंदी लाए हैं अभी। तो अब ये मंदी कितने दिन रखेंगे वो, उसके बाद कितने दिन में तेज़ होगी, क्या होगी, देखने वाली बात होगी। पर मुझे तो ये गेम ही लग रहा है पूरी तरह से। और इसके बाद ये ऐसा माहौल बनाएंगे कि अब तेज़ी नहीं आएगी, और उसके बाद सारे किसानों को, स्टॉकिस्टों को जो है उनको निकाल देंगे। और उसके बाद फिर या तो धीरे धीरे बाज़ार को बढ़ाएंगे या फिर एकदम से ऊपर लेते जाएंगे, तो उसमें फिर माल बेचते रहेंगे किसान और सारे जो अभी जो इस तेज़ी आई, और उसके बाद फिर मध्य उसमें बेचवाली बंद हो गई थी, कम हो गई थी, बेचना नहीं चाहते हैं किसान और व्यापारी बंधु भी। तो अब जब तेज़ी आएगी तो उसमें माल बिकेगा, किसान का भी बिकेगा, जिन कंपनियों ने स्टॉक किया है वो भी बिकेगा। और ये जो भाव का जो शुरुआत हुआ था वायदा, ये 6,000 से चालू हुआ था, और ये अप्रैल 2007-08 की बात है। ये पहले भी मैंने एक दिन वीडियो में जिक्र किया था कि कब तेज़ी हुई थी, 6-7 अप्रैल से वहाँ तेज़ी हुई थी। जो वायदा 6,000 चल रहा था उसको 13,200 तक ले गए वो, और फिर अभी जो 10,000 के आसपास चल रहा है। तो ये गेम चल रहा है वहाँ पे। तो इस गेम में अब मेरे को ऐसा लग रहा है अब इस यहाँ पे बॉटम आउट हो गया है मार्केट, इससे ज़्यादा नीचे ले जाएंगे तो उनको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि माल एक्चुअल में कम ही है। तो अब इसके बाद नीचे नहीं ले जाएंगे, उसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो उसमें धीरे धीरे अभी जो मंदी आई उसकी वजह से अब लोग माल बेचना चालू करेंगे, तो बेचते रहेंगे धीरे धीरे, तो बहुत आखिरी में माल की कमी ही आएगी, शॉर्टेज आ जाएगी। और आज का टॉपिक में उसमें पूरी पोस्ट में यही चीज़ थी जो मैंने आपको कन्वर्ट करके बताई हिंदी में। एक दो जनों ने कमेंट किया था कि आप हिंदी में बताइए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और जानकारी अच्छी लगी हो तो बहुत बहुत धन्यवाद, और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अच्छी नहीं लगे और मेरी बात समझ में नहीं आए तो कृपया नेगेटिव कमेंट ना करें और अनसब्सक्राइब कर दें, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं सब्सक्राइबर बढ़ाऊँ या यूट्यूब से कमाई करूँ बहुत सारे लोगों को। और एक बात और है कि वहाँ अगर तेज़ी आती है तो ज़रूरी नहीं है कि उसी दिन अपने यहाँ भी तेज़ी आ जाए, कोई ज़रूरी नहीं है। वहाँ पर मान लो हफ्ता 10 दिन समय लगता है वहाँ का मार्केट को, वहाँ का जो एक्सेप्ट करने के लिए, यहाँ पे अपने एक्सेप्ट करने के लिए वहाँ तेज़ी आती है तो उसका इम्पैक्ट धीरे आता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के थ्रू आता है। तो बहुत सारे लोगों का ध्यान रहता है कि मैं आज तेज़ी बताऊँगा तो आज यहाँ अपने मार्केट में नीमच मंदसौर पिपलिया में भी एकदम तेज़ी आ जाना चाहिए, ये कोई आवश्यक नहीं है। और मेरा काम और मेरा जो उद्देश्य है वो केवल वहाँ के मार्केट की जानकारी देना है, आपको सचेत करना है, आप कहीं नुकसान ना आपको कहीं नुकसान ना हो जाए, तो वहाँ के मार्केट पर नज़र रखने के लिए ये चैनल चालू किया है मैंने। बाकी मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, और किसी को मेरी बात से नुकसान होता है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। और आप कृपया अनसब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको तकलीफ़ है, समस्या है मेरी बात से, तो कोई बात नहीं, आप अनसब्सक्राइब कीजिए, मुझे कोई समस्या नहीं है। और जानकारी अच्छी लगे तो धन्यवाद।